सर कुछ आप सक्सेसफुल केसेस का एग्जांपल बता सकते हैं जहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज को मतलब एड्रेस किया गया हो, जो और मतलब किस तरीके से किया गया एड्रेस, और वो रिहेबिलिटेशन में बच्चों का जो अपराधी एक व्यवहार था उसको सक्सेसफुली मतलब उनको पूरा बदलाव लाया गया हो बच्चों के बीच में, किस टाइप के कुछ एक सक्सेसफुल एग्जांपल्स कि ये स्ट्रेटेजी हमने हाँ अपनाया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, कि बाद में फिर से वो उस फील्ड में नहीं आए, कुछ अपराध नहीं किया उन्होंने। ऐसा एक केस है मेरे सामने। एक लड़की थी बड़ा हिंदू राव की, जिसके पेरेंट्स नहीं थे, वो अपनी दादी के साथ रहती थी। वो लड़की बहुत ही एग्रेसिव थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, नशा भी करती थी, वो उसके लिए चोरी भी करती थी। वो कैसे ही हमारे चाइल्ड लाइन को पता चला, हमारे सामने आई लड़की, हमने उसको होम में रखवाया, उसकी काउंसलिंग करानी शुरू की। वहां भी लड़की की वो बहुत दिन तक यही आदत रही, वो नशा करने लगी, सब और बच्चों से झगड़ा करती, दूसरे के पैसे भी चुरा लेती वो लड़की। एनीवे उस पे बड़ी रेगुलर काउंसलिंग करनी पड़ी हमें उसकी, उसका ट्रीटमेंट भी कराना पड़ा। तो धीरे धीरे, क्योंकि उसको पेरेंट लव नहीं मिला था, तो लड़की बड़ी फ्रस्ट्रेशन में रहती थी, बड़े एंगर में थी। उसको एक बच्चे को जो लव एंड केयर की जरूरत होती है वो उसको नहीं मिल पाया। फिर हमने उसको धीरे धीरे उसकी काउंसलिंग कराई, ट्रीटमेंट कराया। अब क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे, तो उसको कोई लड़की को लेने वाला नहीं था। तो अभी हमने उस लड़की को तिहाड़ जेल के पास एक निर्मल छाया है, वहां पे उसको रखा हुआ है। वो लड़की पहले से बहुत बेहतर है। जी हर बच्चे का तो फॉलोअप करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बच्चे आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो ऑर्फन है उसका एक फॉलोअप हम कर लेते हैं।